गाजियाबाद में पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपी NCR क्षेत्र में लूट और ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया है कि ये लोग योजनाबद्ध तरीके से नग पत्थर बेचने के नाम पर लोगों को नकली नगीने थमा देते थे। 6 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से काफी भारी मात्रा में सोने की रिकवरी भी हुई है। करीब 320 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, जिसमें करीब 36 कुंडल हैं, 12 चेन हैं सोने की और 8 करीब कंगन हैं। ये लोग लूट लेते थे ठगी करके मजरूबों को। कभी बताते थे अपने आप को क्राइम ब्रांच का आदमी और कभी कुछ नग वग बेचने के बहाने लूट लेते थे महिलाओं को और भी व्यक्तियों को। कई जनपदों में इन्होंने घटनाएं की हुई हैं। करीब 13 घटनाएं विभिन्न विभिन्न जनपदों की वर्कआउट हुई हैं। जनपद गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर की घटनाएं टोटल वर्कआउट हुई हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि SP द्वारा बनाई गई टीम ने पिछले कुछ दिनों में कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।